नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। बिहार सरकार में मंत्री बनाए गए मेवालाल चौधरी को आज शिक्षा जैसा अहम मंत्रालय मिला है। इन सब के बीच मेवालाल को मंत्री बनाए जाने पर विवाद खड़ा हो गया है। मेवालाल चौधरी पर असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति में धांधली का आरोप है। दरअसल जेडीयू नेता मेवालाल चौधरी के सबौर कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति रहते सहायक प्रोफेसरों की नियुक्ति में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया था। इस मामले में इन पर FIR भी दर्ज हुई थी और पार्टी ने इन्हें निलंबित भी किया था। वो 2010 से 2015 के बीच में सबौर कृषि विश्वविद्यालय में वाइस चांसलर थे। मेवालाल चौधरी पर जूनियर वैज्ञानिक की बहाली में धांधली और भवन निर्माण में घपले का आरोप है। निगरानी ब्यूरो ने इस मामले की जांच की थी। मेवालाल चौधरी पर स्पेशल विजिलेंस ने 2017 में केस दर्ज किया था और भागलपुर के सबौर थाने में भी 2017 में केस दर्ज हुआ था। अभी भी जेडीयू विधायक मेवालाल चौधरी के खिलाफ IPC की धारा 409, 420, 467, 468, 471 और 120B के तहत भ्रष्टाचार के मुकदमे दर्ज हैं। इनके खिलाफ अभी भागलपुर के ADG 1 की अदालत में मामला पेंडिंग है। जेडीयू कोटे से मंत्री बनने वाले मेवालाल चौधरी को पहली बार कैबिनेट में शामिल किया गया है। बिहार की तारापुर विधानसभा क्षेत्र से जेडीयू के टिकट पर दूसरी बार विधायक चुने गए हैं। मेवालाल चौधरी 2015 में पहली बार विधायक बने थे, जबकि इससे पहले तक वो शिक्षक रहे हैं। वो कोयरी समुदाय से आते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।